हेलो एस्पिरेंट्स, इंडियन पॉलिटी वन लाइनर सीरीज के अंडर आज हम पढ़ेंगे सीआईसी यानी कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में। देखिए, हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ रहे हैं। हमने बहुत अच्छे से जाना कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट? आपका स्टैट्यूटरी बॉडीज़ उसमें आती हैं, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ उसमें आती हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ को आप रेगुलेटरी बॉडी एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, वो तो हमारा बेसिक हो गया। नहीं आपने देखा है तो मेरी इंडियन पॉलिटी वन लाइनर सीरीज की प्लेलिस्ट में जाके आराम से कॉन्टिन्यूटी में वो वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल आज हम बात करेंगे सीआईसी के बारे में, यानी कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में। देखिए, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब संविधान में नहीं ऐसा कोई जिक्र था कि इस तरह का कोई कमीशन होना चाहिए, ठीक है? तो इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई वो हम जानते हैं। 2005 में ये कमीशन बना है अंडर आरटीआई एक्ट 2005। एक एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया, उसके अंडर ये कमीशन बना। और जब ऐसा होता है ना कि कोई भी बॉडी या कमीशन इस तरह से बनती है, जब एक्ट पास होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी। तो इस हिसाब से सीआईसी भी क्या हो गया, हमारा स्टैट्यूटरी बॉडी। क्यों? क्योंकि ये बना है बाय पासिंग द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अब सीआईसी करता क्या है, ठीक है? सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन इन्फॉर्मेशन का कुछ काम करता होगा। आरटीआई एक्ट क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट? नाउ जो सीआईसी है, इट लुक्स इनटू कंप्लेंट्स पर्टेनिंग टू ऑफिसेज, पीएसयूज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस यूटीज। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, और जो यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है? इन दोनों के अंडर जो भी ऑफिस आती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आती हैं, उन सब से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स हैं, मैटर्स हैं, उनको सॉल्व करता है सीआईसी, ठीक है? किस तरह की कंप्लेंट्स वो भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहें, हर एक चीज़ आपको समझ आती रहेगी। प्लस वीडियो के साथ में नोट्स ज़रूर बनाएं, ठीक है ना? ऐसे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जितने भी कमीशन्स हैं इनमें सब कुछ सेम ही है। कोई किसी एक्ट से बन रहा है, फिर मेंबर्स का कम ज़्यादा हो जाता है, एज का कम ज़्यादा हो जाता है, कुछ एलिजिबल होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए, तो थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है, बट वो पता होना ज़रूरी है। अदरवाइज क्या फ़ायदा आपके पढ़ने का, अगर आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही ना कर पाओ। ओके, चलिए मेंबर्स की बात करें तो इसमें रहता है 1+10, मतलब एक चेयरमैन होगा एंड नॉट मोर देन 10 मेंबर्स। मैक्सिमम 10 मेंबर हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 10 ही चाहिए या 5 ही चाहिए, ठीक है? अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। इनके रिटायरमेंट एज होती है 5 ईयर्स और 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। 5 साल या 65 साल जो भी पहले हो जाए, ठीक है, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, दूसरी बार रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकती है। ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पर्सनल मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ठीक है, पता होना चाहिए। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम। जो ऑफिस होता है या जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट का पूरा, ठीक है, इसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने का काम होता है कि अगर किसी को लगता है कि फॉर एग्जांपल मेरे नंबर कम है ना, तो उसके अंडर क्या होता है, वो उस डिपार्टमेंट में कंप्लेंट डालता है, उन्हें वापस रिप्लाई आता है। तो वो चीज़ जो रिप्लाई आ रहा है और उसे बताया जा रहा है कि आपने ऐसे ऐसे किया था इसलिए ऐसे ऐसे नंबर मिले, तो वो जो चीज़ सरकार के द्वारा आम आदमी को बताई जा रही है, दैट इज़ नोन एज द ट्रांसपेरेंसी, कि सरकार में जो भी हो रहा है वो बिल्कुल जनता के समक्ष होगा, ठीक है? नाउ हम क्या पढ़ रहे हैं, दैट सीआईसी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम विच इज असेंशियल इन डेमोक्रेसी। तो मुझे लगता है इसमें कुछ समझाने की जरूरत है, बिल्कुल बेसिक चीज है। अब देखिए, जैसे हमारा सीआईसी है ना, वैसे ही स्टेट लेवल पे स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन भी होता है, ठीक है? वो भी थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, क्योंकि एक बार मेन सेंट्रल वाला पढ़ लिया तो स्टेट वाला भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस 2-3 चीजें कम ज्यादा होती हैं। नाउ मैंने बात की थी कि कंप्लेंट्स जो इसके पास आती है, सीआईसी के पास आती हैं, ऑफिसेज, पीएसयूज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन सब से उनको ये कैटर करता है। अब कंप्लेंट्स किस तरह के, चलिए देखते हैं। इट एक्ट अपॉन द कंप्लेंट्स ऑफ दोज हु हैव बीन रिफ्यूज्ड इन्फॉर्मेशन। अगर किसी ने इन्फॉर्मेशन मांगी हो सरकार से रिलेटेड, लेकिन उस डिपार्टमेंट ने मना किया हो कि नहीं, आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती, उस केस में वो पर्सन सीआईसी के पास जा सकता है। हु हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड एनी रिस्पॉन्स टू हिज कंप्लेंट्स, जिसने बहुत बार कंप्लेंट की हो बार बार किसी डिपार्टमेंट में, लेकिन वो डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, उस केस में सीआईसी के पास जाया जा सकता है।
हु थिंक्स दैट प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट, फॉल्स और मिसलीडिंग. या फिर किसी को इन्फॉर्मेशन वापस दी गई लेकिन उसे लगता है कि ये सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, गलत है या भड़का रही है, मतलब मिसलीड कर रही है. ठीक है, तो इस केस में भी वो CIC के पास जा सकता है. राइट, अब बात करते हैं कि प्रेजेंट CIC कौन है. प्रेजेंटली चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कौन है, तो वो है यशवर्धन कुमार सिन्हा. देखिए, आपको रटने की जरूरत नहीं है, अगर किसी की न्यू अपॉइंटमेंट होती है ना उस केस में आपको पता होना चाहिए. अदरवाइज पहले से बन के रखे हैं तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपका इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. नाउ हम पढ़ेंगे SIC के बारे में, यानी कि स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में. तो देखिए, ये भी RTI एक्ट 2005 के अंडर ही बना है. इसमें भी 1+10 रूल चलेगा, एक चेयरमैन होगा, मैक्सिमम 10 मेंबर्स हो सकते हैं. रिटायरमेंट एज इसमें भी सेम है, 5 ईयर्स और 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर. एंड नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ये भी फिर से जो है अपॉइंटमेंट के लिए कहीं पे एलिजिबल नहीं है. तो बस आज हमें इतना ही पढ़ना था. बहुत ही छोटा टॉपिक था और बहुत अच्छे से हमने कवर किया. आई डोंट थिंक आपको कहीं पे कोई डाउट रहा होगा. कोई भी डाउट है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. उस टॉपिक पे मैं ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगी, बट अभी साथ साथ में. बाद में आप कमेंट करेंगे तो बाद में अगर सीरीज कंप्लीट हो गया फिर पॉसिबल नहीं होता है. ठीक है ना, चलिए आज के लिए इतना ही. वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे. प्लस अपने सभी फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल का लिंक शेयर करें, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो दैट्स इट एंड सी यू सून.